हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक नंबर्स। ओके, देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर कॉमन काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3 etc। ओके, नेक्स्ट बात करें प्राइम नंबर, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ ओनली 1 एंड इट सेल्फ एज फैक्टर, जैसे कि 2, 3, 5, ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ मोर फैक्टर देन 1 एंड इट सेल्फ, जैसे हो गया 4, ओके, 6, 9, ये सब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इस आगे हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। नेक्स्ट है होल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच द नंबर 0 एडजॉइंट, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। जैसे कि होल नंबर, जैसे 0 से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3 .. ये सब, इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें इंटीजर्स, होल नंबर्स विथ देयर अपोजिट्स नेगेटिव नंबर एडजॉइंट। ओके, इंटीजर्स इसको बोलेंगे, जैसे यहाँ से इधर से पॉजिटिव हुआ तो इधर से -1, -2, -3, इस तरह के हम लोग इंटीजर बोलेंगे। नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर, ऑल नंबर्स विच कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस, जैसे कि 1/2, 22/7, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। ओके, और नीचे हम कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल नंबर, ऑल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रियल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विथ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो क्या होगा, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a+bi, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, ये जनरली 11th क्लास से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ओवरऑल नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो इसका सिंबल होता है कैपिटल एन, जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर, इसका सिंबल होगा कैपिटल पी, जो कि 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर, होल नंबर हो जाएगा तेरा 0 से, और इसका सिंबल हो जाएगा W। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर, इंटीजर जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे ये 0 लिखते हैं, इधर माइनस भी होगा इधर प्लस भी होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में हो जाएगा q = -1/2। ओके, जहाँ p/q के फॉर्म में लिखेंगे और q≠0। इरेशनल का अगर बात करें तो देखिए ई भी इसका कैपिटल F होता है सिंबल, और इसका एग्जांपल देख सकते हैं। रियल नंबर का बात करें तो कैपिटल R होता है इसका सिंबल, और ये इसका एग्जांपल है। ओके, आप चाहे तो इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब हम लोग इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। देखिए रियल नंबर ये कंप्लीट है। ओके, इसी के बीच में एक रैशनल नंबर आएगा जो कि ये कॉमन होगा, फिर इसके अंदर इंटीजर्स आएगा, इसी के अंदर फिर होल नंबर आएगा, फिर नेचुरल नंबर, फिर एक प्राइम नंबर। तो देखिए रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, ये दोनों में एक कॉमन आएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहे तो इसको फिगर को नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और एग्जांपल भी पिछले बता दिया गया है। ओके, आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।